मैं शुरुआत ऐसे करूंगा कि औरंगाबाद शहर में विधानसभा इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है और प्रचार भी लोगों ने शुरू कर दिया है, लेकिन आपका नाम काफी सुर्खियों में आ रहा है कि आप भी इच्छुक उम्मीदवार है और आप एक नामी ग्रामी शख्सियत है औरंगाबाद की, बाबा बिल्डर के नाम से आपको जानते हैं लोग, तो लोगों में भी एक उत्सुकता है कि बाबा बिल्डर खड़े हो रहे या नहीं खड़े हो रहे। आज इंटरव्यू लेने का मकसद यही है कि हम आपसे जानना चाहते हैं आखिर क्या है, जनता के सामने थोड़ी आपकी बात रखनी। मैं बिल्कुल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाला हूँ और मैं बिल्कुल इच्छुक हूँ, और MIM पार्टी से, MIM पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीतूंगा भी, क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई पूरा विकास करना पड़ेगा अपने को, और 5 साल में अभी तक क्या काम हुए क्या नहीं हुए मैं उस पर कुछ तबसरा करना नहीं चाहता, मगर मैं इंशाल्लाह MIM मुझे चांस दी तो मैं बिल्कुल MIM की टिकट पर इलेक्शन लड़ूँगा। MIM के टिकट पे अगर आप इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं तो पूर्व और मध्य ये दो में ही आप खड़े हो सकते हैं, तो आपका इरादा कहाँ है? पार्टी जहाँ भी डिसाइड करेंगी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप अपने इरादे में कितने मजबूत हैं कि मेरे को इलेक्शन लड़ना ही है? नहीं, बिल्कुल लड़ना है मुझे, लड़ना है मुझे, पार्टी ने दे दी परमिशन कि आप इलेक्शन लड़ो MIM से, तो मैं बिल्कुल MIM से इलेक्शन लड़ूंगा। आपने MIM पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी और महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं इम्तियाज जलील, माजी खासदार, इनसे इस बारे में कुछ आपकी बात हुई, आपने कुछ प्रस्ताव दिया इनको कि मुझे खड़े होना है? नहीं, जनता को सब मालूम है, जनता चाहती है तो बराबर अध्यक्ष साहब तक तो बात चली ही गई होगी सब कि मैं इलेक्शन में खड़े रहना चाहता हूँ। बिल्कुल, क्या आपके जहन में है इलेक्शन को लेकर के मुझे इलेक्शन क्यों लड़ना चाहिए? इलेक्शन इस वास्ते से लड़ना है कि भाई चलो विकास है औरंगाबाद का, जो अभी तक स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं, स्मार्ट सिटी तो अभी मेरे को कहीं लग रहा नहीं है, पर इंशाल्लाह स्मार्ट सिटी से ज़्यादा स्मार्ट मैं बनाऊंगा औरंगाबाद, और सबको मालूम है कि भाई हम कौन से फील्ड में काम करते। पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे शिवसेना की सरकार थी, उसके बाद में फिर 2 गुट हो गए शिवसेना के अंदर, 1 गुट बीजेपी के साथ चले गया, 1 गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस और तीनों मिलकर 1 गुट बना लिया, तो अब ये जो इलेक्शन होने वाला है अगर आप खड़े होते तो आपकी जीत कितनी तय है? 90% मैं चुन के आता हूँ अभी आज की पोजीशन में, और मेहनत करूंगा तो 100% निकल जाऊंगा, और पार्टी मेरे साथ में रहेंगी, पार्टी के मेरे वोट जो वोट्स है, वोट बैंक है, वो मेरे साथ में रहेंगे। किससे आप इलेक्शन में अगर खड़े होते, मैं खाली आपका रुझान ले रहा हूँ, ऐसे कोई फिक्स नहीं है, किससे आप अपने आप को टक्कर, मतलब आपके सामने कौन सी पार्टी को आप मानते हैं कि यार ये मेरे सामने तो मुझे इसको टक्कर देना पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसा कोई पार्टी को नहीं मानता, मैं MIM से लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीतूंगा कोई भी रहने दो। आम जनता के लिए आपका क्या मैसेज है, क्योंकि जनता भी चाहती है, हमने थोड़ा सर्वे किया तो जनता चाहती है कि हमको फ्रेशर होना और व्हाइट कॉलर आमदार होना, जैसे पिछले टाइम इम्तियाज जी को हमने दिया था, इस बार हमको हमारे लिए ऐसा ही एक आमदार चाहिए। बिल्कुल है, जनता जनार्दन जो चाहेगी वो बराबर चुन के आएगा, और जनता को सब मालूम है कौन क्या कर सकते हैं। जैसे अब आप आमदार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले हैं तो कैसे आपका ये मन बना कि मैं आमदार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँ? और मुझे बहुत से औरंगाबाद के एकदम नामवर शख्सियत, उनके फ़ोन आए, घर पे आके मुलाकात करे कि भाई आप भी कॉन्टेस्ट कर सकते, क्योंकि आजकल तो इलेक्शन का माहौल है, तो आप भी थोड़ी मेहनत कर लीजिए, बोले आप मार्केट में हैं, बोले मुझे तो मेरा एकदम एक रुझान बना कि मैं भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँ। मतलब आप जनता के डिमांड पर जो है तो इलेक्शन लड़ना, जनता के डिमांड पर मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ।